से। में नलायक है, पता नहीं कौन इनको क्रिटिक बना देता है, इन को तो दिखने की इजाज़त भी नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर खड़े तो मैं देता हूँ तो दो लाख। फिल्म क्रिटिक्स को पानी पी पी कर कोसने वाले समीर कार्निक की पोल उन्हीं के दोस्त और एक्टर तुषार कपूर ने खोल दी है। तुषार ने हाल ही में डायरेक्टर समीर कार्निक के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है। तुषार का आरोप है कि समीर ने उनके ड्यूज अब तक क्लियर नहीं किए हैं। दरअसल समीर ने चार दिन की चांदनी की मेकिंग के दौरान तुषार से दोस्ती के चलते उनसे 1.7 करोड़ की बड़ी रकम ये कहकर उधार ली थी कि जब फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बिक जाएंगे तो वो उनका पैसा चुका देंगे। अब फिल्म रिलीज भी हो गई और काफी भी गुजर गया है, लेकिन समीर ने तुषार के पैसे देने का नाम भी नहीं लिया और प्रेशर डालने पर समीर ने तुषार को जो चेक्स दिए थे वो भी बैंक में बाउंस हो गए, जिससे तंग आकर तुषार ने समीर को चीटिंग केस में कोर्ट में घसीट लिया है। हालांकि समीर का अपनी सफाई में कहना है कि उन्होंने तुषार के सारे पैसे चुका दिए हैं और तुषार ने उनके दिए हुए चेक्स बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किए तो बाउंस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर सच्चाई का पता तो कोर्ट का फैसला आने के बाद ही चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि क्रिटिक्स को कोसने वाले बड़बोले समीर की पोल तो खुल ही गई।